नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और वेब समाचार 24x7 देख रहे हैं आप। मॉनसून इन झारखंड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। झारखंड में मॉनसून कब पहुंचेगा, साथ ही साथ इस बार के मॉनसून में झारखंड में कितनी बारिश होगी, इसका उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विशेष एपिसोड और आपको बताते हैं कि मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों के भीतर झारखंड में मॉनसून दस्तक दे देगा और 18 जून तक तो मॉनसून पूरी तरह से झारखंड में आ जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मौसम विभाग के अनुसार क्या जानकारियां दी गई है और साथ ही साथ क्या आंकड़े जो है वो दिए गए हैं मौसम विभाग के तरफ से। तो आपको बता दें कि चक्रवर्ती तूफानों के कारण मई के महीनों में ही भारी बारिश झेल चुके पूर्वी राज्यों में मॉनसून 15 जून तक पहुंच जाने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में मॉनसून अच्छी तरह बढ़ रहा है और अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे सकता है। दक्षिणी पश्चिमी समुद्र से उठा मॉनसून पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में दस्तक दे चुका है, साथ ही एक हफ्ते में बंगाल की खाड़ी में भी एक कहे तो दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र में पदस्थ राजेंद्र जैनामणि के हवाले से समाचार एजेंसियों ने ये बताया है कि 7 से 8 जून के बीच बारिश रुक जाने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इसके साथ ही जैनामणि के मुताबिक एक दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 11 जून तक बनने की उम्मीद है। इससे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक मॉनसून के बढ़ने में मदद मिलेगी। ये जानकारी जो है वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि झारखंड में मौसम का क्या हाल बन रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएं तो इस साल मॉनसून के दौरान झारखंड में अच्छी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने व्यक्त की है। रांची और आसपास मॉनसून आने तक बादल छाए रहने की उम्मीदें जो है वो की जा रही है। हल्की बारिश होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चलने का अनुमान भी दिया गया है। यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में बन रहे दबाव वाले क्षेत्र का असर झारखंड के कई जिलों में पड़ेगा। जून महीने के पहले 4-5 दिनों में राज्य में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, ये कहना है भारतीय मौसम विभाग का। इसी के साथ आपको बताएं कि जून में जो है वो सामान्य बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक जून में सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूरे देश में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं भी लू चलने की संभावनाएं भी अभी नहीं है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है, ये भी बताया है कि राजस्थान के कई पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सौराष्ट्र, कच्छ और उड़ीसा के गर्म इलाकों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास ही दिखा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौसम विभाग के तरफ से जो जानकारी जारी की गई है, इस जानकारी में जो है वो अगले 10 दिनों के भीतर ही झारखंड में मॉनसून के पहुंच जाने की संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। इस पूरे विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, तो इसी तरह के जितने भी खबरें होंगे वो आपको मिलते रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।